इन हाथों से खाऊंगा? क्या हालत है मेरे हाथों में, क्या देखो इतने लंबे लंबे नाक, मैं तो छरहरी बन के जाऊंगी। प्यार से बोलो अंजलि मुझे ये चीज खानी है, मैं आप मेरे को एक आइटम बोलोगे मैं 10 बना के दूंगी, लेकिन अगर आप 20 आइटम में बात, मैं तेरे को 10 आइटम के ऑप्शन बना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, लॉन्ग टाइम नो सी। तो आज मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, एक धमाकेदार प्रैंक के साथ वापस से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर आपको एक शानदार प्रैंक देखने को मिलेगा, आई होप आप लोग उसको एंजॉय करो, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अंजलि के बहुत पुराने ट्रिगर खाने को हम यूज करने जा रहे हैं इस प्रैंक के अंदर। खाने की थोड़ी बहुत भी बुराई कर दो, खाने के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दो, अंजलि हो जाती है स्टार्ट। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है प्रैंक। प्लीज आप लोग चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करो, चैनल को ऐसे ही ग्रो करने में हमारी हेल्प करो, और जो भी आप प्रैंक्स देखना चाहते हो कमेंट कर जरूर बताओ। अभी वीडियो को एंड तक देखो और देखते हैं कैसे आते हैं रिएक्शंस। A few moments later. ये लो। क्या है? ब्रेकफास्ट दलिया। अबे ये क्या बिल्कुल एकदम बीमारों वाला दलिया बना के ला देती है यार, रोज नहीं खाना मेरे को। रोज कब ले आई मैं? नहीं मेरे को नहीं खाना यार, सुबह सुबह ना दिमाग खराब तो करो। तेरा दिमाग हमेशा खराब रहता, हमारा पेट खराब हो जाता। क्यों चिढ़ रहे हो सुबह सुबह? मुझे नहीं खाना ये, मुझे तेरा हाथ का खाना ही नहीं खाना। What? हो गया डिसाइड। अभी थोड़ी देर पहले मैं पूछ के गई, जब नहीं अपने मुंह से ये बक सकते थे। अब मैं अपने मुंह से बक रहा हूँ, मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं खाना, और दलिया दुलिया तो बिल्कुल नहीं खाना। हमेशा सीधा सा खाना बना के इतना इरिटेट। आपको पता है सुबह सुबह मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए तू ऐसा बना के देती है। तेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, उसको उबलने के लिए छोड़ देती है और अपना काम निपटाती है और उबला हुआ पकड़ा देती है ऐसा कैसा। आपसे पूछा था ना क्या खाना, जो होता है ना प्यार से बनाया जाता है, और खाना बनाने से ज्यादा दिया प्यार से जाता है। ऐसे कुत्तों की तरह यूं ही फेंक दिया जाता। इतने गंदे हो, मैंने कब फेंका कुत्तों को? मैंने कब बोला आपको ऐसे? मैंने मेरे पास बहुत काम होता है, मैंने आपको आके यही तो बोला ये लो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना तेरा। क्यों नहीं खाना? मेरा मन नहीं। क्यों नहीं? मेरा मन बदल गया। अरे तो कोई रीजन भी होगा। रीजन नहीं है कोई भी। इस फोन को रख दो, मैं तोड़ के फेंक दूंगी, बता रही हूँ मैं। जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मेरे से बात किया करो, इरिटेट मत किया करो। सुबह सुबह अपने लेवल पे आ जाती घूम फिर के। इसको आप दूसरे आदमी का दिमाग खराब कर देते हो और उसके बाद खुद फोन में घुस जाते हो। दिमाग है खराब, उसको खराब करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही खराब। और मुझे अपना पेट नहीं खराब कराना तेरे हाथ से। चुपचाप खाओ इसको। नहीं मैं नहीं खा रहा, मैंने खाना ही तेरे हाथ का। मैंने भाई अपना अरेंजमेंट कर लूंगा, ठीक है? सुबह सुबह मैं ना बिस्किट नमकीन से काम चला लूंगा। सुबह सुबह ना ये नमकीन बिस्किट नहीं चलेंगे सुबह सुबह, आगे समझ में। और ये डब्बा यहाँ के कैसे आया? ये डब्बा मैं डब्बा रखूंगा आज से अपना। क्यों रखोगे? मेरे को जब भूख लगती है चिढ़ जाती है कि कितना खाओगे, कितना ठूसोगे। ये डब्बा यहाँ मैं रखूंगा, ये डब्बा यही रहेगा। इसके अलावा मैं पैकेट खाने और सब्जियां भी लेके आऊंगा, मैं वो खा लूंगा। पैकेट आते हैं आजकल, उसको ओवन में घुमाओ बन जाता है। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए तेरा। क्यों नहीं खाना? कोई रीजन भी होगा। मेरे को नहीं खाना। फिर मेरे को नहीं खाना? ये देख रही है अपने, देख रही है हालत। इन हाथों से खाऊंगा? क्या हालत है मेरे हाथों में, क्या देखो इतने लंबे लंबे नाखून का रखे हैं चुड़ैलों जैसे, और उसी से जो आटा गूंद देती है उसी से रोटी बना देती है। इतनी बार बोला नेल पॉलिश देखो, ये जो उतरी है ना ये कैसे उतरी है? साबुन से नहीं उतरी है, ये आटे में उतरी है सारी की सारी। और आपको खिला दिया वो आटा मैंने? मैं पागल हूँ, जान पूछ के नेल पॉलिश नहीं उतारूंगी और आपके आटे में मिला के। फिर क्या रखा है बताना फिर? अरे ये अपने आप उतरती है, और नेल्स तो मेरे हमेशा से बड़े थे, आज कहाँ से आपको याद आ गई? धीरे धीरे याद आ रही है, जैसे जैसे पेट खराब हो रहा है मेरा, सेहत खराब करती जा रही तू मेरी। आपका पेट मेरे नेल्स की वजह से खराब हो रहा है? दुश्मन दुश्मन नजर आ रही है तू मेरे को अभी। मैं सोच रहा हूँ अगर पुराने खाने के बारे में तो वो तो अभी 4 दिन पहले तो यहाँ बैठ के बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी तो कढ़ाई पनीर मैंने खाई नहीं। कढ़ाई पनीर में उंगलियां घुसाई है कि तूने? खाना तो इन्हीं हाथों से बनता है, जिस हाथ के नेल्स है खाना तो इन्हीं से बनेगा, कोई अलग से हाथ तो नहीं। कढ़ाई पनीर को भी ऐसे मैश किया था क्या? पनीर तो ऐसे मैश करके ही डाला जाता है उसमें, और पनीर कटता भी नहीं हाथों से ही है, प्याज भी नहीं हाथों से कटता है, हर चीज इन्हीं हाथों से होती है। मैं नहीं खाऊंगा ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट अपनी मर्जी का करूंगा, लंच अपनी मर्जी का करूंगा। तो अपनी मर्जी का बताओ ना। ये है, ये मैं नमकीन लेके आ रखा हूँ। नमकीन कौन खाता है ब्रेकफास्ट में? नमकीन सैलेड टाइप बना लूंगा, प्याज टमाटर काट के। नमकीन ब्रेकफास्ट में कोई नहीं खाता ठीक है, मेरे को ना जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश मत करो। क्या है अब बिना बोले निकल लिए? पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडिया ढूंढ के लाते हो, पता नहीं क्या करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। सुबह सुबह कलेश करते हो, सुबह सुबह कलेश करते हो। मैंने कुछ कहा था? ऐसे बड़बड़ाई जा रही है। तो ये क्या लेके आए हो?
मैं अपना बना लूंगा यार, तुमको क्या दिक्कत है? प्याज टमाटर के भी हाथ नहीं लगा सकता क्या मैं? प्याज टमाटर घर में लेके आया, बर्तनों पे भी हक नहीं है क्या मेरा? प्याज टमाटर क्यों लेके आए हो? अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। बहुत कट जो तू पागल है क्या? ब्रेकफास्ट मेरे को बोलो ना, मैं बना दूंगी ना, क्या हो गया? अरे बना तो लाई तू दलिया, खा ले अपने आप, खुद तो खाती नहीं है। आज तक तूने खाया अपने हाथ का बनाओ ब्रेकफास्ट? क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट तो ये यही बना बुनू के प्याज टमाटर मिक्स करके खाती हूं। मैं जूस पीती हूं, मैं ब्रेकफास्ट में और कुछ भी नहीं खाती। जूस तो जूस को कुछ बनाना नहीं पड़ता ना, भगवान ने नेचुरली बना के भेजा फ्रूट्स को। अरे भाई मैं डाइटिंग के चक्कर में जूस पीती हूं। अपने हाथ का खा के देखो एक बार, अपने हाथ का खाना नहीं खाती क्या मैं रोज? जब अपने हाथ के खाने से दस्त लगेंगे ना तो अपने आप सारा वजन कम हो जाएगा तेरा डाइटिंग का। मेरे को है ना इरिटेट मत करो आप। अरे क्या है यार, तू नाखून क्यों चुभा रही है मेरे को? मैंने कहाँ चुभाया, कितने झूठे हो, बहुत तेज लगी मेरे। मैंने कहाँ चुभाया है, जबरदस्ती रीजन ढूंढ रहे हो, जबरदस्ती का बहाना ढूंढ रहे हो। फिर कह देना किसी के भी सामने कि ये तो मेरा खाना नहीं बनाती, मैं तो अपना खाना अपने आप बनाता हूँ। हाँ वो तो है ही, दिख नहीं रहा तेरे को। मत करो सुबह सुबह कलेश, मत करो, कह रही हूँ मैं, खा लो, बता दो ये मेरे जो को। तेरी ये जो तेरी आंखें चढ़ जाती है ना, ये जो अकड़ दिखाती है, ये सारी अकड़ जो है ना और ईगो जो है ना खाने के अंदर महसूस होता है। क्या अंदर महक आती है तेरी ईगो और अकड़ की? प्यार से खाना बनाया जाता है, प्यार से खाना दिया जाता है, जब अच्छा लगता है खाना। ऐसे जो है ना ऐसे यूं फेंक गए, खा ले खाना हो तो, अभी तो पूछा था तुमसे, ये कोई तरीका खाना देने का? मैंने कब खाना ऐसे फेंका आपके पास, कब फेंका? 70 चीजें सजा के लाती हूँ थाली में। सजा के लाती है, बड़ा थाली। अभी कैसे दिया तूने ब्रेकफास्ट? अरे क्योंकि मुझे चार्जर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, तू ये नहीं बोल सकती कि बताओ ब्रेड ब्रेड जैम ला देती हूँ अगर इसके साथ खाना है तो, बनाना ला देती हूँ इसके साथ खाना हो तो। मैंने आपको बोला तो सही, तूने बोला खाना खा लो, मेरे पास बहुत काम है। मैंने ये नहीं कहा खाना खा लो, तूने बोला मेरे पास बहुत काम है, दिमाग खराब मत। मैंने आपसे उसके बाद ये नहीं बोला कि आपको क्या खाना है, बता। सुबह 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 मेरे लिए क्या करती है? एक ब्रेकफास्ट ही बनाती है, उसके अलावा तो कोई काम नहीं कराता, चला जाता हूँ चुपचाप ऑफिस। उस ब्रेकफास्ट के लिए लंच कौन बना के देता है? उस ब्रेकफास्ट में तू अपने सारे काम घुसा देती है कि मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ। अरे मेरे लिए तो खाली ब्रेकफास्ट ही बनाती है, मुझ पे कब तक ऐसा दिखाई खाना बनाने। सुबह सुबह लड़ लो, आराम से लड़ लो सुबह सुबह, है ना, पूरी तैयारी करके बैठे हो, पता नहीं क्या करके रखते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। और सुबह सुबह लड़ क्यों पूरे कमरे में पूरा दिख रहा है? इसको फालतू बात नहीं कर रहा और तू मेरे से कोई फालतू बात। तो यहाँ बेड पे बैठ के सब्जियां नहीं कटती हैं? बेड पे बैठ के सब्जियां कटती है, जब बेड पे बैठ के तू यहाँ लोट के खाना खा लेती है। लेटे लेटे खाता कोई खाना? मतलब वो लेटे लेटे खाने का यूं लेट के यूं खाते देखा मैंने कोई? वो भी नमकीन बिस्किट भी खाती थी, खुद के हाथ का तो खाया नहीं जाता, प्याज टमाटर काट के नमकीन में मिला के ऐसे खा रही। तो क्या मैं रोटी सब्जी नहीं खाती है? कहाँ खाती है, 90% ऑफ द टाइम तो डाइट पे रहती है। हाँ तो डाइट पे इसीलिए तो रहती हूँ, इसीलिए रहती हूँ क्योंकि अपने हाथ का नहीं खाती। अपने हाथ का अगर तेरे को खाना पड़ेगा तो ढंग का बनाएगी, ढंग का तुझे बनाना नहीं। मैं आपको करने नहीं दूंगी, क्यों करना है आपको? आधे टाइम तो तेरा बाहर खाने का मन कर रहा होता है। बनाना है राज्य खुशी में, बनाओ 10 बार बनाओ, मेरे को भी खिलाओ बना के, लेकिन कलेश में मैं नहीं बना दूंगी क्योंकि मुझे पता है आप तो सारा ब्लेम मेरे पे डाल दोगे। क्या बोलती है तू, खिचड़ी बना? मैं लगता हूँ बढ़िया बढ़िया खिचड़ी बना के सबको खिचड़ी पकड़ा देती, खुद बिरयानी ऑर्डर कर लेती। तू नहीं करती तू ऐसा? कब करी? बर्गर ऑर्डर कर लेती है अपने लिए, तो अपने आप को तो कहेगी मैं रात को डिनर नहीं करूंगी, रात को डिनर नहीं करूंगी, 10:30 बजे पता नहीं क्या होता है ऑर्डर करके चुपचाप घुस रही होती है अपना। हमें जो खिचड़ी चावल के साथ काम चला रही होती है और खुद जो है जो मैंने कभी भी आज तक अकेले बर्गर ऑर्डर करके नहीं खाया कभी भी। जब भी ऑर्डर हुआ है ना, आप और आपका वो जो छोटा सा टिंडा घूमता रहता है ना, वो सबसे पहले आता है भाग के, मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा। और आप भी खाते? हमें तो खिचड़ी खिलाती तू, आप भी खाते हो? आप भी खाते हो? अरे तुझे भी पता, तू झूठ बोल। यार तुझे पता मैंने सही बात बोली, आप है कम से कम एक्सेप्ट तो कर। आप है ना बिना बात का कलेश कर रहे हो, कोई कलेश वाली बात ही नहीं है, बिना बात का कलेश कर रहे हो। और जो सामान फैला के रखते ना, इसकी वजह से मैं इधर मुंह करके आपको पकड़ा रही थी कि ये मेरे को लग रहा था ये चार्जर उठा के रख दूंगी। और दलिया ही खाओगे अब, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाओगे, दलिया ही खाओगे कैसे नहीं खाओगे? आगे जाओ आगे, आगे नहीं गिरेगा, आगे जाओ, मैं खिलाऊंगी, कैसे नहीं खाओगे, कैसे नहीं खाओगे? इसमें दलिये की एक दाने भी है, इधर आओ, पतला सा पानी और दूध मिला के ले आती है, पता नहीं कैसे दलिया बनाती है। इधर आ जाओ, बता रही हूँ बकवास। अब देखो जबरदस्ती जो है ना ये मत करें आप। हाँ खाओ खाओ, क्या है इसमें, क्या है इसमें? खट्टा है, दूध के साथ खट्टा दलिया खाता है क्या कोई? खट्टा कैसे हो गया दलिया? खा के देखना, खुद तो खाती नहीं है। अगर तू मेरे साथ एक टोकरा कटोरा टोकरा नहीं कटोरा एक कटोरा दलिया खाएगी तो मैं खाऊंगा, तू खा के दिखा दे। मेरे को सुबह सुबह नहीं खाना, मैं पहले ही डाइटिंग बोल, पहले ही अच्छी हूँ मैं तो, छरहरी बन के जाऊंगी।
भाई ऐसा है, ये जोड़े दो हाथ, जो करना है करो, मुझे आपके साथ बिना बात की कोई बहस नहीं करनी, जैसे करना है करो, जैसे रहना है रहो, नहीं खाना ना आज के बाद बना के ही नहीं दूंगी अपना। तो वैसे ये वैसे ही मुझे पता, तू बाहर जो डॉगी को डालेगी। क्या बोला तूने? तो और क्या करूंगी, खाना तो कहीं तो जाएगा ही ना, वेस्ट थोड़ी ना करूंगी, डॉगी को डाल दूंगी अगर इतनी आपको। अच्छा, तो मेरे पास सेकंड प्रेफरेंस डॉगी है ना, मतलब या तो मैं खाऊंगा या डॉगी खाएगा। हाँ, मैं नहीं खाऊंगा तो डॉगी खाएगा। तो आप नहीं खाओगे तो डॉगी को ही डालूंगी ना, और क्या करूंगी, खुद तो नहीं खा लेती थोड़ा सा। अरे किसी किसी पागलों वाली बातें करते हो, इरिटेट कर देते हो आदमी को। जब बोल दिया मैं सुबह सुबह नहीं खाती नहीं खाती, दोपहर को खा लियो। हाँ मैं खा लूंगी दोपहर को, क्या दिक्कत है आपको, खा लो, बना के खा लियो इसकी। मैं खा लूंगी, मैं अपने नमकीन वो प्याज यार क्या है, भूखे जाऊं, भूखा चला जाऊंगा मैं। जाओ निकलो, खड़े हो। इससे अच्छा तो वो कैंटीन वाला बना के देता है, आराम से प्यार से बना के देता मेरे है। मेरे से अच्छा ना पूरी दुनिया बना के देती होगी, खाली मैं ही नहीं देती। अरे इतने आराम से गुड मॉर्निंग सर बोलता है, सर क्या बनाऊं, इस तरीके से बात करता है वो। मैं बोलूंगा वैसे सैंडविच बना दो, कहता है सर 2 मिनट बैठो मैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कैंटीन खोल के बैठूं, स्टाफ बनूं कैंटीन का, सर सर करती घूमूं, यही चाहते हो? प्यार से तो बात कर सकती है, प्यार से खाना दे सकती है। आप रिस्पेक्ट करते हो, मैं खाना आपको ये सोचना चाहिए। कैसे पकड़ा है खाना यार अभी? और जब मैंने बोला मेरे को नहीं खाना, तो तूने एक बार भी ये नहीं बोला कि चलो चार आइटम और बना। ये सोचना चाहिए कि ये मेहनत करती है, चार आइटम और बना देती है इतने प्यार से। मैंने आपको कल रात को भी बोला था ना कि आप मुझे प्यार से बोलो कि अंजलि मुझे ये चीज खानी है, मैं आप मेरे को एक आइटम बोलोगे मैं 10 बना के दूंगी। लेकिन अगर आप इस आइटम में बात, मैं तेरे को 10 आइटम के ऑप्शन बना के देता हूँ, तू एक ही आइटम बना के दे, क्यों झूठ बोल रही है? अच्छा हमको सिखा रही है। अरे तो एक टाइम हेल्दी सब्जी खा लो, नहीं एक टाइम के बाद ऐसा ही होता। शुरू के 3-4 साल मेरे से बिना पूछे और चेक करती थी कैसा लगा, क्या कमी है, फीडबैक लेती थी और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करती थी, फिर बोलती थी पिछली बार वाले से बेटर है ना, तूने किया है सब कुछ। कहा एक टाइम अगर ऐसा हेल्दी खाना खा लोगे, टिंडे कद्दू लौकी तोरी, तो क्या हो जाएगा, पूरे दिन भी तो उठपटांग खाते हो ना। उठपटांग खाता हूं यार, पूरे दिन तेरे बंद तेरे हाथ का दिया हुआ ही खाता हूं। ऑफिस में कुछ नहीं खाते? नहीं खाते। झूठ मत बोलो। नहीं खाते। झूठ मत बोलो। कभी कभार सैंडविच वैंडविच खा लिया। जब भी फोन करा होता है और मैं पूछती हूँ ना 4-5 बजे की क्या बनाऊं, कह देते हो अरे मैंने तो खा लिया, मेरे लिए मत बनाना कुछ भी, मैं तो डिनर ही करूंगा, मैंने तो खा लिया। और ठूसते हो ना जो चटपटी उल्टी सी, आपको जब तक स्वाद नहीं आता वहाँ, वो जो ऐसे ऐसे करके अरे यार तो चुप ना, उसमें जब तक वो उस पसीने का अपनी छिट्टा ना लगा दो उसमें, जब तक आपको स्वाद नहीं आता। आपका जो है ना क्या होता है कुजीन बनाने का जो तरीका है ना, वो दूसरों मत डालो, ये आपके तरीके हैं। मैं ऐसे करके छिट्टा डालती हूँ तो याद रखना उस छिट्टे वाले ही खाना खा रहे हो। ये फंस गया सी है, इसीलिए तो नहीं खा रहा मैडम, आपको समझ नहीं आ रही इतनी सी बात। ये क्या ड्रामा है, क्या दिखाना चाहते हो सबको? यार पहले कितने कितने प्यार से खाना देते थे यार। अरे भाड़ में तो फेंक फेंक मार दी सारा खाना है, जो मैं खा रहा हूँ वो भी नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे मेरी बात तो सुन, क्या है ये, इसमें तो पीनट्स रखे हुए हैं, भुजिया कहाँ है? कौन सी भुजिया? अरे जो तू खाती रोज शाम को, तू खुद भी तो भुजिया और वो थोड़ी सी मूंगफली मिला के खाती है ना। मेरे को नहीं पता, आपके पास होगा फालतू का टाइम। अब तू वो भी छुपाएगी मेरे से, अपना खाना भी अलग करती है, अब ये नमकीन भी अलग रखेगी। काम करना बहुत सारा है, पता क्यों नहीं पूरी होती? नहीं जब बिग बॉस देखते हैं तो नींद पूरी नहीं होती, और इसीलिए सुबह जो है ना ऐसा नाश्ता मिलता है, तो एक काम क्योंकि 2 मिनट में उबाल के पकड़ा दिया जाए। भाई कह रही हूँ एक काम करो ना, कुछ मत करने दो मुझे, आपको मेरे बिग बॉस देखने से भी दिक्कत है। अरे तेरी नींद पूरी नहीं हुई बोल रहा हूँ, इसीलिए ऐसा नाश्ता बनाती है। तो नींद पूरी कर और सुबह जो है मन से खाना बना जैसे पहले बनाते। भाई मैंने आपसे हाथ जोड़ लिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, आपको अपना खाना बनाना है बनाओ, जैसे मतलब इतना इतने अच्छे से बनाते हो। मैं इधर ही हूँ, मेरी बात अब से जो तू खाएगी वही मैं। तू तो बस तू की तो नहीं आपके। अरे तू तो बाहर का ऑर्डर करके खाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और नमकीन खाती है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बाहर का ऑर्डर ब्रेकफास्ट में क्या खाती है तू? ब्रेकफास्ट पता क्या खाती है तू? मौसमी का जूस पीती है। यार दिला देता हूँ तुझे, ऐसे प्याज काटेगी, टमाटर काटेगी, शिमला मिर्च काटेगी, और एक आधी कोई वेजीज होंगी येलो वाली और रेड वाली वो काटेगी, और उसको फिर किसमें क्या होता है वो, कौन सा होता है वो, चीला, चीला होता है ओट्स का, चीला ओट्स, ओट्स में से मिलाएगी और बढ़िया से पराठे की तरह चीला बनाएगी, फिर चटनी बनाएगी अलग से, चटनी दही ओट्स का चीला, ये तो तेरा ब्रेकफास्ट है। और मुझे क्या दिया तूने? ओ भाई उबला हुआ दलिया। आपको भी देती थी ये ब्रेकफास्ट, आपने कहा मैं रोज रोज उब जाता हूँ, मेरे को मत खिलाया कर रोज। तो चेंज करना चाहिए ना, वही तो बोल रहा हूँ। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नाराज मत हो प्लीज।
क्यों नहीं हो नाराज, बकवास कर रहे हो, हाथ छोड़ दो मेरा। अरे क्योंकि प्रैंक में नाराज नहीं हुआ करते ना। मार साले का, खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का। जब तक प्रैंक हो रहा था तब तक नाराज होते। मैंने कहा कई दिन हो गए, अब तो नहीं कर रहा था मैं, 10 दिन से प्रैंक नहीं कर रहा मैंने तेरे साथ, आज मैंने किया है। वहां पर कैमरा लगा हुआ है, आपको कैसा लगा प्रैंक, आप अपनी तरफ से अपना फीडबैक दो, कैसा लगा आपको प्रैंक? यार ये यार अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी तो लोगों को अच्छा लगेगा ना। सुबह सुबह देखो आप अपना आपके पास तो कोई काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है, आप करते हो टाइम वेस्ट। अच्छा मेरे पास काम नहीं है और तेरे पास काम? हाँ मेरे को सुबह सुबह काम करने होते हैं, सुबह काम करने ताकि 11 बजे बिग बॉस देखना फिर से शुरू कर सकूं। मैराथन उसमें बिग बॉस देख रहे हैं तो ओटीटी वाला देख रही है कि नहीं बता? अरे छोड़ दो आप, आप शॉक फील करते हो, आपको लगता है अरे वाह क्या बढ़िया प्रैंक किया मेरे साथ। आप लोग इसी तरीके से चैनल को पसंद करते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो और कमेंट्स करके बताते रहो आपको ये प्रैंक कैसा लगा, अगला कौन सा प्रैंक करना चाहिए, और हमारे व्लॉग्स को भी सपोर्ट करो, व्लॉग्स को भी देखो। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, पुराने व्लॉग्स देखो, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू।